उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके तहत ही सीएम योगी ने कुशीनगर की जनता को 2,134 करोड़ रुपए की लागत वाली 488 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसी दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुशीनगर की धरती इतनी पवित्र है कि भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण के लिए कुशीनगर ने चुना। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनेगा जिसके नई तकनीकी की खेती होगी। इसी क्रम में सांसद विजय दुबे और क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक ने बताया कि रविवार का दिन कुशीनगर के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में अंकित हो गया है। कृषि विश्वविद्यालय से छात्रों को कृषि विज्ञान की नई तकनीकियों को सीखने का अवसर मिलेगा। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। देखिए, केवल कुशीनगर के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का नहीं, ये मापदंड तय करेगा कई, आप कह सकते हैं गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, कई मंडलों के, क्योंकि जहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए तो मानिए 8 से 10 हज़ार बच्चों का शिक्षण संस्थान रहेगा ही। इसकी शोध संस्थान आप जानते हैं सेवरई में, वहां पर बनेगा, निर्माण होगा। तो जहां इतने बच्चे आपके शिक्षण संस्थान से जुड़ेंगे तो मानिए हजारों अभिभावकों का आना जाना भी लगा रहेगा, और इतने बच्चे इतने अभिभावक तो कुशीनगर के होटल्स के बिजनेस, ट्रेवल्स के बिजनेस, छोटे मोटे दुकानदारी, इसको आप कह सकते हैं कि रोजगार भी कुशीनगर को ये बढ़ाएगा। करीब करीब 2200 करोड़ रुपए का आज महाराज जी ने शिलान्यास किया है, जिसमें प्रमुखता से अपना जो भगवान बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय है और भी सारी परियोजनाएँ हैं सब आपको अभी थोड़ी देर में उपलब्ध करा दी जाएगी। पूरे 2200 करोड़ का जो डिटेलिंग होगा, परम सौभाग्य की बात है कि महाराज जी ने उसका शिलान्यास किया और 2026 में इसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे।